अब मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर आप ढंग से प्लान करें और कोई इंसान डिसाइड करे कि नहीं, मुझे 40 की उम्र में ही रिटायर होना है, अपना सारे काम को वाइंड अप करना है और आगे की लाइफ मजानी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो, आप अपने फंड्स मैनेज करना जाने, आप समझे कि किस तरह फंड से रिटर्न्स आते हैं, कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है, और आपको बाकी की जो शेष बची लाइफ है उसको मैनेज करने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहे कि फंड्स को किस तरह मैनेज किया जाए, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं आने वाली लाइफ में, आगे क्या हो सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है, कैसे डिफ्लेशन हो सकती है, इसके लिए अपना एजुकेशन हमेशा ताउम्र जारी रखे। सर, नाउ यू कैन कंटिन्यू। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है कि अगर हम निश्चय कर लें तो वो काम जरूर होता है। दे शिवा वर मोह एहो, शुभ कर्मन ते कबहो न डरो, न डरो चाहे जूझ मरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। दे शिवा वर मोह एहो, हे ईश्वर कोई ऐसा वर दे कि जो मेरे दिमाग में है, भावना है, उसे मैं जीत सकूं। अगर हम ये तय कर लें कि हमको ऐसा करना है तो ईश्वर कोई ना कोई मार्ग जरूर बना देता है। वाह, क्या बात है। आपकी जो बेटियां हैं, क्या वो आज भी वहीं से बैठ के कुछ कंट्रीब्यूशन आपको देती हैं? आई मीन कुछ इनपुट्स? कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली तो बेचारी बहुत कोशिश करती हैं देने की। अच्छा। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति है कि हम लड़कियों के घर का पानी भी अगर पीते हैं और खाना भी खाते हैं तो उसकी थाली के नीचे कुछ ना कुछ रख के आते हैं। मेरी जो बीच वाली लड़की है जो इटली में है, इटली में गुरुद्वारा बनाने की योजना पे अग्रसर है। अरे वाह, क्या बात है। मेरी छोटी लड़की यहाँ पर दीपावली के दिन लोग रंगोली बेचते हैं, गरीब बच्चे, वो हर साल 20,000 रुपये साल मुझे स्पेशली भेजती है कि मैं दिवाली के एक दिवाली वाले दिन जो रंगोली बेच रहे बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब मैं उसकी तरफ से जाके किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1,000 जाके देता हूँ कि जाओ बच्चों मिठाई घर ले जाना। ये मेरी बच्ची हर साल वहाँ से भेजती है। ब्यूटीफुल। मेरे को ऐसा लगता है कि सही मार्ग पे वो अपने धन का उपयोग करती है। सिख धर्म का एक और जिस्ट भी है कि दसवंत देना, आपकी कमाई का दसवां हिस्सा आपको परोपकार के रूप के अंदर जरूर देना चाहिए। ऐसे हमारे बिजनेस लैंग्वेज में भी कहा जाता है कि आप अपने इनकम का 10% जो है पहले खुद की स्व सेवा के लिए दो और बाकी 15% आपको सोशल वर्क में देना ही चाहिए। इनफैक्ट 15% से ज्यादा हो उसे ज्यादा करना चाहिए। तो यही है, ये तो बहुत आपसे एक चीज सीखने को मिली कि इंसान अगर चाहे तो हर चीज मैनेज करके चल सकता है, चाहे अपनी वर्क लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या अपने सोशल वर्क जो उसको करना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में हर चीज़ की उम्र तय होती है, 25 साल की उम्र तक, सिर्फ 18 साल की उम्र तक एजुकेशन, 35 तक वर्क, शादी, उसके बाद में 50 की उम्र के बाद आपको सेवा में गुजार देना चाहिए। तो वो तो आपने शायद लाइफ में अचीव कर लिया भगवान की कृपा से। आपकी लव मैरिज है एंड आप महाराष्ट्र हैं जी, तो मैं थोड़ा आपकी हिस्ट्री जानना चाहूंगी कि आप दोनों मिले कैसे? हम लोग ने LLB साथ किया, लॉ। अच्छा, LLB साथ किया। हाँ जी। ओके। LLB में हम लोग साथ थे, फिर एक दिन कुछ सेमिनार था, टीचर्स हमारे प्रोफेसर ने बोला ये करना है, इस पर ये ऐसे टाइप लिखना है। तो फर्स्ट टाइम सब लड़के खड़े थे, पर पता नहीं क्यों ईश्वर ने वो किया। मैंने कहा अपन इस सरदार जी से पूछते हैं कि उन्होंने कैसे क्या लिखा है। अच्छा। और तब मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा आपने कैसे लिखा। हाँ। वहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए, इन्होंने बताया कैसे करना है। लेट मी पॉज, आप इनकी बुद्धि से इंप्रेस हुई या पर्सनालिटी? नहीं, इंप्रेस नहीं, बुद्धि से इंप्रेस हुई। अच्छा, राइटिंग देख के? हाँ, राइटिंग भी और इनके बोलने का जो तरीका है जी, एक्सप्रेस करने का जी, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि कॉलेज में ये प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो इनकी वो एक्टिविटी देख के भी मैं काफी इंप्रेस हुई। तो कोई ऐसा तो नहीं था कि प्रेसिडेंट थे, चलो अपना सारा काम बनता रहेगा कॉलेज में?
नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये कभी ऐसा मन में आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब अपना अपना काम कर लेते थे, मतलब लड़कियां भी कोई कम नहीं थी। अच्छा, तो हाँ, तो ऐसा नहीं कि इनके ऊपर डिपेंड थे, बिल्कुल अपना काम कर लेते थे, पर बस ये लगा कि नहीं ये प्रॉपर अपने लिए है। अरे वाह, तभी आपने डिसाइड कर कॉलेज में ही। हाँ, तो कॉलेज के कितने साल बाद आपकी शादी हो गई? उसके हाँ 5 साल, 7 साल, 3 साल तो LLB हुआ, लॉ किया हम लोगों ने साथ में जी, और उसके 2 साल बाद, और 30 साल की उम्र में ये प्रेसिडेंट बन गए। हाँ जी, तो क्या उम्र रही होगी इनकी जब ये बिजनेस क्विट किया एंड सोशल वर्क फुल टाइम स्टार्ट किया? मैडम मेरा ख्याल है मेरे भी 10-15 साल हुए, 10-15 साल हुए, इससे पहले बिजनेस और सेवा बराबर। 10-15 साल मतलब 25 साल की उम्र समझ लूँ आपकी? मेरी तो 70 साल उम्र। सर कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने आपको। सही है। तो आपको ऐसा कभी किसी भी स्टेज पे लगा नहीं कि ये बिजनेस भी कर रहे हैं एंड ज्यादातर आपने सोशल वर्क भी किया है, तो कहीं कोई जैसी हिचक आती होगी कि ये मेरे लिए वक्त नहीं गुजार पाते हैं या फैमिली में, जैसे आपने बताया संडे मैनेजमेंट पर, लेकिन एक संडे भी बहुत कम होता है देखा जाए तो। नहीं, पर ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। अच्छा, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी बच्चों में और उसमें, और उसके बाद ये मेरे को संडे दे देते थे, उसमें भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की। तो अभी बता रही आप इनकी मेन इंस्पिरेशन रहे हैं ये सारे काम काज करने में, तो आपको कैसा लगता था जब सर को जो आप सजेशन दे रही थी और वो उस पर अमल कर जाते थे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे इसमें भोग होता है। अच्छा। मतलब किसी की डेथ होती है तो 13वां जैसे जैसे हिंदू संस्कृत में वैसा ही हमारे इसमें भोग कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ ये भाषण देते हैं, वहाँ पर स्पीच देते हैं गुरुद्वारे में, और हर बार इनकी एक नई कहानी होती है। अच्छा। हाँ, जिस किसी की माँ की डेथ हुई है, किसी के पापा की, तो उसके ऊपर ये पहले पढ़ते हैं घर पे, लाइब्रेरी है हमारे, तो ये पढ़ते हैं 3-4 कहानियाँ। मैं स्कूल से आती हूँ, फिर ये मेरे को पढ़ के बताते हैं कि इन चारों में से कौन सी कहानी आज इसके ऊपर सूट होगी, फिर मैं बताती हूँ कि हाँ ये कहानी आज आप बोलो, और फिर वो गुरुद्वारे में उस कहानी को रिपीट करते हैं। अरे वाह, मतलब तो ये सारी चीज़ों का सोर्स ये है, वो जैसे कि न्यूज़ में आता है सौजन्य से ये, तो वैसे इनके सबके सब टाइटल में आना चाहिए अलका जी का सौजन्य से सोर्स यहाँ से। तो सर हमें बताइए कि आप दोनों के लव लाइफ का सबसे यादगार किस्सा कौन सा है? उज्जैन के अंदर एक कंठाल चौराहा जगह है जी, उसके पास में ही हम लोग रहते थे, और सती गेट मार्ग है जिस पे ये रहती थी, मतलब हमारे घर से ज़्यादा ज़्यादा 100-150 मीटर होगा। आजकल की शव यात्राएं गाड़ी पे, एम्बुलेंस पे, इस पे जाती हैं, उस जमाने के अंदर कंधे पे लेके जाते थे और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब ऐसा लगता था कि और गैलरी के अंदर सब लोग देखने आते थे। अच्छा, तो शादी से पहले इनको देखने के लिए मैंने कई बार उस अर्थी को कंधा दिया है जिनको मैं जानता भी नहीं। क्या बात कर रहे हो। कंठाल चौराहे से कोई भी शव यात्रा गुजरती थी, इनका राइट हैंड पे मकान था, तो मैं चारों तरफ में से राइट हैंड वाली साइड पे जाके कंधा देता। जब ये गैलरी में आ जाती इनके दर्शन हो जाते, इनके दर्शन हो गए, लेकिन अनजाने में एक अच्छा काम भी हो गया। अच्छा हो गया, काम भी हो गया। किसने किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना इज अ गुड डील। और सर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतना इतना कुछ किया सोसाइटी के लिए, आप निरंतर करते जा रहे हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस कार्य में मिली है? गुरुद्वारा गुरु नानक घाट के निर्माण से। अच्छा, गुरु नानक देव जी उज्जैन आए, उसको खोज पाए, उसकी जमीन खरीद पाए जी, वहाँ पर बहुत बड़े गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर यात्रियों के लिए 30 कमरे बनने जा रहे हैं। मेरी दिल की इच्छा थी कि कोई भी समाज की गरीब लड़की हो, उसके लिए वो 30 कमरे और गुरुद्वारे का लंगर उसकी शादी के अंदर फ्री रहे। वाह क्या बात है। ये सोच जिसको ईश्वर पूरा कर रहा है, और मैं जब भी गुरु नानक घाट जाता हूँ तो आँख से आंसू आ जाते हैं, ये सोच के कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतना पवित्र कार्य कर पाया। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जी। इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? मैडम धार्मिक इमारतों का निर्माण कभी पूरा नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। आज से 400 साल पहले अमृतसर गुरुद्वारे का काम चालू हुआ था, वो आज भी चल रहा है, यहाँ भी चालू रहेगा, ऐसा आप सबकी सद्भावनाओं से उज्जैन के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ
कि यहाँ पर हम निरंतर लंगर की सेवा, गरीब बेटियों की शादी की सेवा और अन्य अन्य सेवा, कुंभ चाहे सिंहस्थ के मेले के समय लंगर चलाना हो या आपदा की स्थिति के अंदर लंगर चलाना हो, ये सब हम सेवा का कार्य करते रहें और उज्जैन के लोगों के चेहरे पर हंसी हमेशा रहे, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर इसको पूरा करे। आपका बहुत बहुत आभार। ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि सुरेंद्र जी, अलका जी वैसे ही बहुत बड़े दानी है, लेकिन सबसे बड़ा दान तो आई थिंक यही होगा कि आप कन्यादान करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। और अगर आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, इससे कई लड़कियों की शादी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कई सारे माँ बाप इसी स्ट्रेस में रहते ताउम्र कि हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी। तो अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल। सुरेंद्र जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि आज के इंटरव्यू में सुरेंद्र जी ने कई बार मेंशन किया कि आपने खोज की कि गुरु नानक जी इस स्थल पे आए थे, तो दिस शुड बी वेरी डिफिकल्ट। आपने कैसे इस चीज़ की खोज की और कैसे पता लगाया, वेरीफाई कैसे किया इस चीज़ को आपने? जब मैं छोटा था तब अमृतसर गुरुद्वारे जाके पढ़ता था, वहाँ गुरु नानक देव जी की जीवन में जो यात्राएं की उसके अंदर उज्जैन का नाम अंकित है। चूँकि उज्जैन के अंदर पैदा हुआ हूँ इसलिए ऐसा लगता था कि इसकी खोज की जाए कि आखिर गुरु नानक देव जी कहाँ आए। जी, बहुत सारी लाइब्रेरी देखी, फिर अमृतसर गुरुद्वारे के जब प्रधान साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि इतिहास है, तब लेखकों को जो इतिहास था उसके अंदर मिला कि शिप्रा के रामघाट के सामने अवंतीपुर, इस गांव का नाम, पुराना नाम इसका अवंतिका है, अवंतीपुर में इमली के झाड़ के नीचे पास में मस्जिद है, वहाँ पर बैठ कर गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारित किए। फिर हमने वो जगह देखी और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया तो स्वर्गीय ईश्वरदास जी शास्त्री जी साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ढूंढने के अंदर बहुत सहयोग दिया। तो उन्होंने शास्त्र विद्या से इसका हाँ, उसके बाद फिर अपने अमृतसर गुरुद्वारे के एक्सपर्ट जो इतिहास के जानकार हैं उनको भी बुलवाया, उन्होंने कन्फर्मेशन किया। मशहूर कथाकार रहे हैं सिख समाज के, बस्किन साहब, संत सिंह जी बस्किन साहब, वो भी आए, उन्होंने कन्फर्म किया। अच्छा, और बनाने का काम चालू कर दिया। मतलब आपको सच में ईश्वर ने आपको चुना है, जो आपको गुरु नानक जी की वही स्थल पे एग्जैक्टली पहुंचा दिया, उसको आपने ढूंढा, डिस्कवर किया और आज वहाँ पे एक धार्मिक स्थल बनने वाला है, बेहद खूबसूरत। सुरेंद्र जी, अलका जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई, इंस्पिरेशन मिला, ये समझ में आया कि अपनी लाइफ में जितना आप कमाएं, जितना भी कुछ आप अपने लिए मेहनत करें, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट करें। व्हाट एवर यू गेट फ्रॉम दिस अर्थ यू हैव टू गिव इट बैक। एक बात का जरूर आपसे कहना चाहूँगा, अभी आला आपने शब्द इस्तेमाल किया कन्यादान। जी मैडम, अब कन्यादान की वस्तु ले रही, अब कन्या बराबरी की वस्तु हो गई है, इसलिए उसका विवाह करना ज्यादा उचित है बजाय दान शब्द इस्तेमाल करने का। इसलिए दान तो ऐसी वस्तु का किया जाता है जो दे रही होता है, और उसको हम दान में दे देते हैं और जिसके पल्ले बांध देते हैं उसके साथ वो चली जाती थी, अब वो स्थिति नहीं। क्या बात है। इसलिए अब आप जब भी शब्द का उपयोग करें, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको ये कहें कि हम इनका विवाह इसके साथ किया है, इसका जीवन साथी बनाया है, अब वो लड़कियां दान की वस्तु नहीं, आदरणीय हो गई हैं, पूजनीय हो गई हैं, इसलिए अब उनका विवाह करेंगे हम, दान नहीं। सुरेंद्र जी, अलका जी, आप दोनों ही जीता जागता उदाहरण हैं कि एक अच्छे सिटीजन को अपने शहर के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आप दोनों के बहुत आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे शो पर आए, हमसे बात की, मेरे दर्शकों से बात की, मेरी टीम के साथ अपना वक्त गुजारा, थैंक यू सो मच। तो ये थे सुरेंद्र अरोड़ा जी और साथ में उनकी वाइफ। ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर अगर अपनी लाइफ को प्लान करे, बैलेंस्ड वे में चले, तो वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। आज के शो के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगी उज्जैन की शान के साथ। धन्यवाद।